शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम दोनों ने अपने अपवित्र रिश्ते को बचाने के लिए हमारे करण की बलि चढ़ा दी। इस हवेली के असली वारिस करण प्रताप सिंह को इस हवेली में वापस लेकर आएगी। प्लीज मुझे मत रोको, मैं अपनी दादी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज मुझे मत रोको। मैं काव्या को जाने नहीं दे सकता। अपने जज्बातों को अपने दिमाग पर हावी होने मत दो। एक बार और सोच लो, प्लीज मत जाओ यहाँ से। अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा कुणाल। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी हवेली छोड़कर चले जाओ। क्या बोल रही हो तुम? मैं आखिरी बार दादी माँ से मिलकर आती, उनका आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। मैं आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि सब कुछ आपने किया? कितनी बोली है ना आप माँ। ये जो एक तीर से इतने सारे निशाने मारने वाली जो बात है ना, वो तीर दरअसल आपने नहीं मारा। क्यों? तो फिर किसने मारा? क्योंकि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ वो बादशाह जिसने ये खेल है खेला। असली करण के मरने से नकली करण के हवेली में वापस आने तक इस हवेली में जो कुछ हुआ है ना, सब लौकी ने तो किया है। कैसे? कैसे? सुनना चाहोगी? तो फिर सुनो। Well done. I'm so proud of you. मान गए रोके तुम्हें। क्या बेटा पैदा किया है मैंने? मतलब कुणाल सही कह रहा था, परिवार नहीं रह गया, अभी दुश्मनों का गिरोह है। अपने ही लोग षड्यंत्र का खेल खेल रहे हैं। नकली करण को भी हवेली में रॉकी नहीं लाया था, और जो कुछ हो रहा है सूत्रधार रॉकी ही है। इससे पहले कि रॉकी कोई और कांड करे, मुझे इसकी असलियत कुणाल को बतानी होगी। काव्या का बैग ही छुपा देता हूं तो वो यहां से जा ही नहीं पाएगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे उससे भी ज्यादा जरूरी बात करनी। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो, बाद में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं इस हवेली में रुक जाऊं? मैं रुकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। तुम जिस विभीषण की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, रॉकी है। उसी ने उस राजू को
करण बनाकर हमारे हवेली में भेजा था। उसके मतलब रॉकी ने पैसे विड्रॉ किए और मेनका चाची ने दादी के कान भरे होंगे, इसलिए अब मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एकदम सही डिसीजन लिया है तुमने काव्या, इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुणाल, अब हमें मिलकर उसका खुलासा दादी माँ के सामने करना होगा। रॉकी, इसे कह दो हम इसकी परछाई भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है काव्या, लेकिन अब दादी माँ हमारे खिलाफ हो चुकी है और हमारी एक बात भी नहीं सुनेंगी। भवानी, थोड़ा कुछ खाए लो। नहीं जीजी, वो दोनों पापी हवेली से चले गए क्या? भवानी, जिद छोड़ो, अब ये सच को स्वीकार कर लो। कौन सा सच जीजी? यही, वो करण हमरा करण नहीं था, वो बहुरूपिया था। पुलिस के पास उसके खिलाफ कितने सबूत हैं? वो नहीं था हमरा करण। पैसों से सबूत पैदा किए जाते हैं जीजी। आप उस कुणाल को नहीं जानती हैं। वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए आप उसकी बातों में मत आइए। हमारे करण को फंसाया गया है। चलो मान लिया कि करण को फंसाया है, लेकिन इस सच को तो नहीं झुठला सकती ना कि काव्या इस हवेली की 51% की मालकिन है। अगर वो ही घर से गई तो हमारी पुश्तैनी हवेली चली जाएगी। हमारी बात मानो, कुछ भी करके उसको यही रहने दो। हम उसको बहला फुसला के ये हवेली अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर तुम जो चाहो वो करना। आपको क्या लगता है, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हम उस चरित्रहीन को हवेली में रख लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको भी उसकी इतनी चिंता है तो आप भी उसके साथ जा सकती हैं। चलो, रॉकी का कॉलर पकड़कर उसे दादी माँ के पास लेके जाते और उससे सारा सच बुलवाते। नहीं नहीं काव्या, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम चाहते हो कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, तुम्हें अगर नहीं चलना है तो तुम यहीं रुको, मैं तो उसे लेकर जा रही हूँ। सब गड़बड़ हो जाए। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। प्लीज मेरी एक बार पूरी बात सुन लो। देखो काव्या, ये दोनों माँ बेटे ना बहुत शातिर हैं, और अगर इन दोनों को पता चल गया कि हमें इनका सच पता है तो हम इन्हें कभी रंगे हाथों पकड़ नहीं पाएंगे। तो तुम क्या चाहते हैं, कि हम ऐसे चुपचाप बैठे रहे? नहीं, और हमें ऐसा कुछ करना होगा कि रॉकी खुद ब खुद अपने मुंह से अपनी गलती कबूल कर ले। ये सब करना इतना आसान नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि रॉकी अपना जुर्म मानेगा? मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, एक ऐसा प्लान सोचना पड़ेगा कि कबूल करने के अलावा रॉकी के पास और कोई ऑप्शन ना बचे। तुम इतनी शातिर चाल चलोगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ये तो सिर्फ इंटरवल है मां, पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब ये कि भी आपने सिर्फ आधा प्लान सुना है। जहाँ आपने पूरा प्लान सुन लिया ना, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जानी है। अरे तो जल्दी बताओ ना, तुम्हारा पूरा प्लान क्या है? थोड़ा सा सब्र कर लो, सही वक्त पे सब बता दूंगा। फाइन। अरे सब्र उबर गया, भाड़ में तुम मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, बोलो जल्दी। बताता हूँ। वो क्या है ना, दुनिया की नजरों में मैं भले ही विलन हूँ, मगर अपनी कहानी का मैं हीरो हूँ। वो मुझे पता है, आगे बोल।
जब राजू ने दादी माँ और काव्या के साइन लिए थे ना पेपर्स पे, मैंने उसी वक्त कंपनी अकाउंट में से पूरे 50 करोड़ निकाल लिए थे। तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा? आपके सर की कसम, मैंने पूरे 50 करोड़ निकलवाए। क्या? मतलब मैं 50 करोड़ की मालकिन बन गई हूँ? यस। मैंने 50 करोड़ कभी नहीं देखे, मुझे बता पैसे। रिलैक्स, आराम से बात करें, दीवारों के भी कान ना जैसे कोई सुन लेगा। रॉकी वो सब छोड़, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 50 करोड़ कभी नहीं देखे। कहाँ रखे पैसे? जल्दी बता मुझे अभी देखने, जल्दी बोलना। आज तक आपने 50 करोड़ नहीं देखे ना, अब देखेंगी, क्योंकि आज ही रात, और ध्यान से सुनना, आज ही रात हम दोनों इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के वहां जाएंगे जहाँ आपके 50 करोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। It's all yours, ma. वैलेंटाइंस डे पे हम हर उस इंसान को गिफ्ट देते हैं जो हमें पसंद होता है, और आप तो मुझे बहुत पसंद हो। कुनाल, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। मैं बोल तो दूंगी, पर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। पहले प्लान तो बताओ। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे। काफ़ी, मुझे पहले प्लान तो बताओ क्या है। वो देखो, मैं जानती हूँ कि ये प्लान थोड़ा सा रिस्की है, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। काफ़ी सस्पेंस मत क्रिएट करो, मुझे जस्ट बता दो प्लान है क्या। प्लान सिर्फ रिस्की नहीं है बल्कि एक वाहियात प्लान है। रॉकी को जानती हो कितना गिरा हुआ इंसान है और कौन सी हद तक जा सकता है वो। इसमें सिर्फ तुम्हारी जान पर खतरा ही नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लग सकती है। ये प्लान सही नहीं है काव्य, इसके बदले कोई दूसरा प्लान सोचते हैं प्लीज। ठीक है, तो कोई और प्लान सोचो, और अगर नहीं सोच सकते ना तो फिर मेरा प्लान एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सारी तैयारी होगी, अब फटाफट चलते हैं। पकड़े गए। चुपके चुपके कहां भागने की तैयारी हो रही है बुआ जी? सोच रहे हो? सही सोच रहे हो, हमको सब पता है। ये पेटी में सारा माल समेट के चुपके चुपके यहां से निकलने की सोच रहे थे? नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत माँ, ये जो दादी बुआ है ना, ये भी मेरी टीम में है। क्या? और दादी बुआ, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद करोड़पति बनने की। आपका जो हिस्सा है ना, आपको मैं जल्दी दे दूंगा। और रही बात इस हवेली को छोड़ने की, 50 करोड़ आज मेरे पास, और ना ही मुझे इस हवेली में कोई दिलचस्पी रही, ना यहाँ रहने वाले लोगों में, और ना उस काफे में। तो मैंने और मेरी माँ ने सोचा कि अब यही सही मौका है हवेली छोड़ के जाने का। ए बबुआ, ऐसे जोश में होश मत खो बैठो।
मतलब ऐसे हड़बड़ में यहां से भागोगे ना तो कुणाल को तुम पर शक हो जाएगा और तुमको पताल से खोद के ढूंढ निकालेगा वो, और हम सब फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमरी बात मानो तो ये मेनका को पैसों के ठिकाने पे भेज दो और तुम और हम यहीं रुकते हैं जब तक सारा मामला रफा दफा होके शांत ना हो जाए। रॉकी, मुझे सही कह रही हूँ। आपकी बातों में दम है दादी बुआ। ठीक है, मैं सही करते हैं। मैं माँ को आज रात ही इस हवेली से रवाना कर देता हूँ और मैं रुकता हूँ। और वैसे हमारा काम अभी पूरा हुआ नहीं है। सब तो हो गया दादी बुआ, और क्या करना है? तुम भुला रहे हो बबुआ, हम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, तो हम इस खानदान की बेटी हैं। ये हवेली में हमरा हक है, हमरा मान सम्मान है, वो सब हमसे छीन लिया गया, हम भुला नहीं सकते। ये काव्या, तू अकेली इस हवेली की मालकिन बन के बैठी है, कोई मुहावरा सुना है? जब अपना हक आसानी से ना मिले तो छीन के लेना चाहिए। तो अब समय आ गया है, हम अपना हक छीन के लेंगे। डोंट वरी दादी बुआ, आप जब तक अपने हक की लड़ाई जीत नहीं जाते ना, मैं यही आपके साथ इस हवेली में रहूंगा। और माँ, तुम आज इस हवेली से रवाना हो जाओ। काव्या जिद मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? हाँ काव्या, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इस प्लान में कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हारे साथ रहे तो तुम सेफ रहो। ऐसे तो सिर्फ दादी माँ थी। ये दोनों इस हवेली में हैं, हम पानी तक नहीं पिएंगे। तो वो भी मुझसे नाराज है, उनके अलावा तो कोई। बुआ दादी हमारी मदद कर सकती है। एग्जैक्टली, बुआ दादी हमारी मदद कर सकती है। और अब तो हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए उनके आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत है। मुझे विश्वास है काव्या कि बुआ दादी रॉकी और मेनका के खिलाफ हमारी मदद जरूर करेगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर बुआ जी तुम्हारे साथ मिली हुई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कैसे कैसे किया ये सब? बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। राजू को करण बना के सबली में लाने का प्लान मेरा था। हाँ, थोड़ा मुश्किल था, पर जैसे ना तैसे दादी माँ और काव्या दोनों को इस बात पे यकीन भी आ गया। फिर न जाने कहाँ से कबाब में हड्डी बन के आ टपका ये कुणाल, और फिर इसे शीशे में उतारने के लिए मुझे एक और प्लान बनाना पड़ा। अब ये बात तो जग जाहिर है कि हमारी दत्ती बुआ को हमसे और हमारी हवेली से कितनी नफरत है। तो मैंने इसी बात का फायदा उठा के दत्ती बुआ को अपनी टीम में शामिल कर लिया, और इनका सिर्फ इतना सा काम था कि वो कैसे भी करके उस कुणाल को इस बात का यकीन दिला दें कि राजू ही करण है। प्लान के मुताबिक जिस दिन इस हवेली वालों को इस बात पे यकीन आ जाता, करण जाता और दादी मां और काव्या से पेपर्स पे साइन ले लेता, और साइन लेने के बाद में उसे अपना मोहरा बना के पैसे विड्रॉ करवा लेता, और शर्त के अनुसार दद्दी बुआ और करण को उसके हिस्से के पैसे मिल जाते। मगर ना जाने कब कैसे और कहां इस कुणाल के हाथ लग गया करण का फोन। तो सारा प्लान हो गया चौपट, मगर मैं ठहरा रहा थी। इससे पहले कि प्लान चौपट हो, तुम्हारे बेटे ने
50 करोड़ विड्रॉ कर लिए थे और यही था तुम्हारे रॉकी का मास्टर प्लान। वाह रॉकी बाय, तुम तो अपने पापा से भी ज्यादा शातिर निकले। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा अब ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अब वक्त गवाए बिना मेनका को पैसों को ठिकाने पे भेज दो। कहाँ चली गई है बुआ, दादी मिल ही नहीं रही है। कहाँ जा सकती है? ठीक है माँ, आप ऐसा करिए आज रात ही हवेली से रवाना हो जाइए, मैं तब तक पति को साथ ही हवेली में रहता हूँ जब तक सब मामला ठंडा ना हो जाए और ये अपनी हक की लड़ाई ना जीत जाए। ठीक है? ठीक है चलो। रॉकी कमरे में हमको देख लिया तो हम पे शक करेगी। नहीं नहीं रॉकी जल्दी से लाइटें बंद कर दो सारी। क्या हुआ? क्यों जो कह रहे वो तक करो जल्दी से। वो पास है। अरे ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? करण प्रताप सिंह ने बिना किसी दबाव के अपने 51% शेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिए, यानी कि कुणाल गायत्री सिंह के नाम। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।